suddenly why people are getting more interested towards cricket, other sports? जी जब आपने जब हमारे वहाँ पे सबने देखा कि जो हमारे जितने भी लोग हैं वो पहले तो कुछ हमारे जो दोस्त हैं कुछ भाई हैं वो ड्रग्स की हालत में नशे की हालत में मर रहे हैं, तो फिर जब मैंने इस चीज को देखा तो मैंने सबसे कहा कि एक स्पोर्ट्स में आइए, नशे को दूर रखिए, ये गलत काम है, ये गलत चीजें, इनसे दूर रहिए, स्पोर्ट्स में आइए, अपने अंदर स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्समैनशिप रखिए और आगे बढ़िए। और फिर थोड़ा सा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काफी सपोर्ट रखा और जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनने जो खेलो इंडिया का अभियान चलाया उससे जितने हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं वो प्रभावित हुए। तो आज हमारे साथ फोन पर है अमान जारी। अमान जारी, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका करना चाहूंगा, तो मैं अमान जरी बेसिकली JNK से हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जिसका नाम है राजौरी, तो ये एक बॉर्डर इलाका है, एक फॉर फ्लंग इलाका है, तो मैं यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ दुबई फोर नेशंस कप में। जैसे कि आपने देखा कि इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप में भी अपनी वहां विजय हासिल करके वो इंडिया में लौटे, तो अब हमारी भी जो है टीम जा रही है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई फोर नेशंस कप में, जिसमें ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम्स ने जो पार्टिसिपेशन ली है। जी, तो हमारे जो दर्शक है मैं बताना चाहूंगा अमान जारी ये कश्मीर से है और ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अमान पूछना चाहूंगा आप क्रिकेट में कैसे? तो कश्मीर में टैलेंट काफी ज्यादा है बट हमें जो चीज नहीं है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है बट वहां का जो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा माहौल भी काफी ज्यादा मिलता नहीं है एज कम्पेयर टू दिल्ली और बाहर की सिटीज से, तो वहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ और वहां पे इतना ज्यादा एक एडवांस नेचर नहीं है, तो मुझे काफी सारी दिक्कतें आई उस चीज को पाने के लिए। और बचपन में ऐसे कौन से प्लेयर थे जिनको देखकर तुम्हें लगा कि मैं इन जैसे खेलना चाहूंगा? जी, मैंने शुरू से ही जो है सचिन जी को देखा है, सचिन जी और महेंद्र सिंह धोनी जी को देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है इट्स बीन अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि मुझे इतने बड़े दिग्गजों के एक मतलब साये में रहने का मौका मिलेगा, उनकी एक कोचिंग में और उनका एक साया होगा मेरे ऊपर, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, और मैंने उन्हीं को देख के आज जहाँ पे भी मैं हूँ सबका श्रेय उनको देता हूँ। अगर किसी दिन उनसे मुलाकात हुआ तो क्या बताओगे? बताना उस टाइम मैं अब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरे लिए फीलिंग क्या होगी कि इतने बड़े दिग्गजों को अपने सामने देखना, अपनी आंखों के सामने देखना, क्योंकि जिनको आप देख देख के बड़े हुए हो, जिनको देख देख के आप खेले हो, और उनको मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। 2011 में जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब भी आपने मैच देखा होगा, तब कैसा लगा? जी, बहुत प्राउड फील हुआ कि हम एक भारतीय, हम एक इंडियन है, जब हम अपनी टीम को खेलते हुए देखते हैं, हम जब बाहर कंट्रीज में जाके, अभी आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितनी अच्छी विजय हमें हमारी भारत को मिली है, तो काफी अच्छा फील होता है और एक एज एन इंडियन हमें काफी प्राउड महसूस होता है। जितने भी हमारे यंगस्टर्स भाई हैं वो उड़ीसा से हैं या जम्मू कश्मीर से या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, तो मैं इनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो भी ड्रग्स की अशिया हैं, जो भी गलत काम है, जो भी बुरे काम है, उनसे दूर रहिए, स्पोर्ट्स में आए, क्रिकेट में आए, आप जिस भी फील्ड में बेस्ट हैं अपना बेस्ट दें और बिल्कुल कामयाबी आपके साथ रहेगी, आप अपना बेस्ट दें, बस गलत कामों से, गलत बुरी बातों से दूर रहें, सबकी दुआएं अपने पेरेंट्स की और अपने जितने भी एल्डर्स वगैरह हैं सबकी दुआएं साथ लेके चलें, तो बिल्कुल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमान जारी, ये थे कश्मीर के वो प्लेयर जब टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अमान, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।